हेलो बच्चों, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग कर भी रहे होते हैं और रेगुलर कमेंट्स कर रहे होते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट करते हो कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ को नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ना लगे रहना है बेटा। ये चीज़ हमेशा होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। देखो, वो हमारा काम है बेटा, टीचर्स का काम है आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करना और आप लोगों का लेवल अप करना, वो हम कर रहे हैं। पहले नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, अब तो हम देख रहे हैं। यस सर, तो शुरू हो जाइए आप फिर से। आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रॉब्लम सीरीज इन फिजिक्स थर्ड, और मैं आपका आदित्यानंद लेके आया हूं दोबारा से प्रॉब्लम सीरीज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन अभी आज के लिए बहुत ही बढ़िया सब क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा पॉज करो, अनसॉल्व करो। मैं आज का लेक्चर रिलेटिव मोशन के ऊपर रखा हूं। रिलेटिव मोशन की जब भी बात करते हो ना, तो हम दो चीज को कर रहे होते हैं, राइट। जैसे एक कार जा रहा है पीछे से, एक आगे से कार जा रहा है। थोड़ा सा एक मिनट सुनो इधर, आज का लेक्चर पूरा का पूरा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड 2D। जैसे रेनमैन टाइप का प्रॉब्लम, स्विम कर गया, उसमें बेस्ट क्वेश्चन क्या बना सकता है कोई, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया तुम्हें दिखाएगा कि कैसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे इतना सारा चीज करवाया जा सकता है और हम कर सकते हैं। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर के बाद आपका डेप्थ कहां पे पहुंच जाएगा कि कोई भी मान लो एक कार है ना, चेस करने वाला है ना प्रॉब्लम, एक कार है दूसरा कार है। अब कैसा भी टाइप का प्रॉब्लम है, इसे एक्सेलरेशन दे दिया, इसे वेलोसिटी दे दिया, इसे एक्सेलरेशन दे दिया, इसे वेलोसिटी दे दिया, है ना। एक इधर जा रही है, दो कार देर ले लिया मैंने, बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस किसी टाइम पे कितना हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर चला तो 5 मीटर के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, एक में वेलोसिटी आगे की तरफ दे दिया, एक में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे दिया, दूसरे कार में वेलोसिटी भी आगे है और एक्सेलरेशन भी आगे है, एंड एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, इन कॉन्सेप्ट का जो लॉजिक है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से या 10 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर के ऊपर से किसी बॉल को नीचे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से या 100 मीटर पर सेकंड से, बताओ 5 सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कितने देर के बाद दोनों मिलेंगे, और इस तक कितना टाइम लगेगा इसको, 50 मीटर जब आएगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे अगर तुमने इस क्वेश्चन को और इसके बाद के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखा है। ये पहला है, तुम्हारा डेप्थ यहां तक पहुंच जाएगा। ये सब 1D में खेल रहे हो आप, जब 2D में आएंगे तो क्या होगा, 2D का बात जब करते हो तो आपका और डेप्थ कहां पे बनेगा, जरा समय बताता हूं आपका डेप्थ कहां पे तैयार हो जाएगा। ये भी देखिए, अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका डेप्थ यहां पे पहुंच जाएगा 2D वाला। जैसे कि मान लो कोई स्विमर है बेटा, मान लो कोई स्विमर है, ठीक है, क्या है, कोई स्विमर है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा आपका रिवर, जरा देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। इसका कुछ विड्थ है डी, है ना, और इसमें रिवर का भी कुछ वेलोसिटी होता है। हाँ सर, बिल्कुल होता है। तो ये रिवर का वेलोसिटी है, रिवर का वेलोसिटी है, रिवर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज लेट इट बी VR। और आप स्विमर हो, आप स्विम करना चाहते हो, आपका कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं, यस। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। और इस पे क्या जेई बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर और क्या, यूरोडोव के 4-5 क्वेश्चंस मैं आज इस बार लेक्चर में रखा हुआ हूं, आपको मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा। तो ये सब सारी चीज सीख लोगे। फिर 2D में कैसे कोई एक दूसरे को कैच करता है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक कैट है या कुछ भी है, क्या रैट है और यहाँ पे कैट है, तो या फिर यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे जल्दी बताओ कैट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्या हमेशा इसे देखते हुए चल रहा होता है और इसे पता ही नहीं है मुझे कौन देखे जा रहा है भाई, तो इसे एकदम निपटा ही देना है इसे। वैसे हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यस। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है सपोज कीजिए, ये एकदम से किसी यू वेलोसिटी से इधर जाए जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमेशा इसे देखता हुआ है,
हमेशा इसे देखता हुआ है, हमेशा इसे देखता हुआ है, हमेशा इसे देखता हुआ है। तो ये अभी इधर देखा, फिर यहाँ के बाद इधर देखा, फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा चलने के बाद इधर देखा, एंड सो ऑन। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। इस पाथ का लेंथ क्या होगा वो बताओ, पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करता हुआ जाएगा, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, कितने टाइम बाद ये यहां पे आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके का 1D के रिलेटिव वाला एंड 2D का रिलेटिव वाला स्विमर वाला या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स। एंड एक और क्वेश्चन मैंने आज लिया है तुम्हारे लिए, ग्राफ का। ग्राफ का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है, वो तुम्हें दिख जाएगा, उससे काफी कुछ मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा आइडिया आज के क्लास में तुम्हें मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ओके सर, शुरू कर दीजिए आप, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, व्हेन टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर एट पॉइंट ओ, ठीक, व्हेन टू पार्टिकल्स, जल्दी से देखिए आप, व्हेन टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर एट पॉइंट ओ, ए इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, B is not moving, but B possesses a constant acceleration of 10 meter per second square. ठीक है? After how much they will be? After how much time लिखना चाहिए था इसे यार? After how much time? ठीक है? They will be at a distance of 125 meter. Questions आपने पढ़ लिया, अब आप इसका डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो सबसे बेस्ट मेथड है, और बहुत सारे अच्छे टीचर्स इस मेथड को यूज करते हैं बेटा, वही मेथड मैं आपको बताऊंगा, और वो मेथड है फिर से आदि सर स्टार मेथड। अब तुरंत से तुम्हें बेस्ट मेथड के ऊपर लाता हूं, ऑल्दो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास फिर से दो तीन मेथड है। एक तो ग्राफिकल मेथड है मेरे पास हमेशा की तरह, एक और मेथड है मेरे पास जो कि पास में मैंने डिस्कस किया, आज मैं तुम्हें एक बेहतरीन मेथड सिखाना चाहता हूं रिलेटिव के ऊपर कैसे क्वेश्चन को क्विक तरीके से किया जा सकता है। तो फिर से आपके पास ये रहा आदि सर स्टार मेथड आपके सामने। ओके सर, शुरू हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आदि सर स्टार मेथड। चलिए देखिए, जल्दी से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देखिए। ये रहा, पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ए इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी 50 और बी इज नॉट मूविंग, बट बी हैज एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एंड बी, बहुत सुंदर, ए जो है वो जा रहा है, बी जो है वो रुका हुआ है, बी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है बी का वो कितना है, 0, बट एक्सेलरेशन है बी का कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पास वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन इसका 0 है ए का, इसके पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, After how much time they will be at the distance of 125 meter? कितने देर के बाद इन दोनों के बीच की दूरी जो एक लाइन में थे शुरुआत में वो 125 मीटर हो जाएगा? क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है? फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। और कैसा लगेगा आदि सर स्टार मेथड ये अब बताना। अब इधर देखो ध्यान पूर्वक बेटा, यस, ऐसे कभी भी अगर क्वेश्चन मिलता है, ऊपर नीचे बॉल को फेंक दिया, दो कार चल रहा है, दो आदमी चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, तुम्हें मैंने क्या बना दिया है, तुम इतना खतरनाक बन चुके हो कि तुम जिसके ऊपर बैठोगे वो रुक जाएगा। यह है आदि सर स्टार मेथड का कॉन्सेप्ट, यह है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सर, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है। तुम हो एकदम पावर, तुम्हें मिल चुका है बजरंग बली का बेटा, और तुम्हें मैं जहां पर बिठाऊंगा ना वो रुक गया, जैसे इसके ऊपर बिठाया तो ये रुक जाएगा और इसके ऊपर बिठाया तो ये रुक जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो करना क्या है, तुम्हें किसी ना किसी के ऊपर बैठना है, तो जब तुम उसके ऊपर बैठते हो तो उसके रिलेटिव में तुम्हें क्या चलता हुआ दिखता है, क्या वो नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं रुक जाता है। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जैसे तुम कार में चल रहे हो, कार में तुम्हारे फेलो पैसेंजर्स हैं, सपोज कर लो कोई तुम्हारा भाई है, बहन है, कोई भी बैठा हुआ है। अब तुम अगर मूविंग कार में अपने बहन को देखते हो, भाई को देखते हो, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा होता है? नहीं,
तो वही बोलना चाह रहा हूं मैं कि तुम्हें मैं जिस मूविंग चीज के ऊपर बिठाया वो रुक जाएगा, तो उसे रुका हुआ देखने के लिए क्या करते हैं अपन, हम अपने आप को कब रोक सकते हैं। सपोज कर लो हम चल रहे हैं यहां पे, सपोज कर लो यहां पे है ए, यहां पे है बी, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट सीखो। अगर ए चल रहा है 10 meters per second से, राइट, हाँ सर, कॉन्सेप्ट सीखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन, और ये चल रहा है मान लो 5 meters per second से। मैंने बोला तुम क्या हो, फुल पावरफुल आदमी, चल बेटा बी के ऊपर बैठ जा, बी के ऊपर बिठाया तो तुम जिसके ऊपर बैठते हो वो तुरंत से रुक जाता है। कैसे रुका सोचो, ये 5 meters तो इधर था, तुम्हें मैंने इनडायरेक्टली, इस लैंग्वेज के पीछे का फिजिक्स ये है कि पूरा इन्वायरमेंट को मैं 5 meters per second का वेलोसिटी पीछे की तरफ दे दिया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नो। तो इस पे बैठने का मतलब इसका जो वेलोसिटी है या इसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों अपोजिट में लग चुका है किसे, जिसे तुम देख रहे हो। इधर लगा दो 5 meters per second और इधर लगा दो 2 meters per second square। तो कहने का मतलब आदि सर स्टार मेथड है क्या, जब भी दो चीज की बात करोगे तो एक के ऊपर बैठना है, क्या करना है, एक के ऊपर बैठना है, क्या करना है, एक के ऊपर बैठना है, और किसी के ऊपर भी बैठ सकते हो एज यू विश, जैसे ही बैठोगे वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, इसके मतलब उसके पास जो भी चीज है आदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या फिर सिर्फ वेलोसिटी या फिर सिर्फ एक्सेलरेशन, उन सारे चीज का डायरेक्शन रिवर्स कर करके पूरा इन्वायरमेंट में लगा देना है, इन्वायरमेंट में यही था तो इसके ऊपर भी लग जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये 5 से इधर जा रहा था, इसके ऊपर बैठ गए तुम, इसका वेलोसिटी अपोज करके इसे दे दिए और इसका एक्सेलरेशन भी अपोज करके इसे दे दिए, अब ये रुका हुआ है, अब ये रुका हुआ है, और तुम्हें देख लिया ये सिचुएशन, अब तो ये सिर्फ तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये रुका हुआ है और ये बंदा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो वो जो रुका हुआ था और ये जो भागे जा रहा है दोनों के बीच की दूरी पता चल गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैं अब इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बनाता हूं, जरा देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, अगला मैंने सेम क्वेश्चन रखा है इसीलिए देखो। बोल रहा है व्हेन टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से स्टार्ट कर दिया, ये भी पॉइंट ओ ही है, ये भी पॉइंट ओ ही है, ऐसे ही समझाने के लिए लिखा, बी के पास एक्सेलरेशन है 10 meters per second square का, है ना, बी के पास इसको बोलना चाहिए इन द सेम डायरेक्शन, है ना, ये इधर की तरफ है एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन ऑफ बी, तुम्हें बोला है कि कितने टाइम के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 125 meters हो जाएगा, 125 meters हो जाएगा, ओके सर, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी ही तो निकालना है तुम्हें, तो मैं अगर एक को रुकवा दूं तुम्हें मैं बोलूं चलो तुम क्या हो, फुल पावरफुल आदमी, यस ये रहा पावरफुल मैन, पीएम, पीएम यहां पे बैठ चुका है, ठीक ओके, और पीएम जी ले लो, पावरफुल गर्ल, पावरफुल मैन, ओके दोनों यहां पे बैठ चुका है, पावरफुल बॉय जो मन करे, बीजी लिखता हूं पीबीजी, बहुत ही बढ़िया लाइन मुझे समझ में आया, पीबीजी, यस सर, तुम क्या हो, पीवीजी, या तो पावरफुल गर्ल या पावरफुल मैन, सॉरी बॉय, ओके पीवीजी यहां पे बैठा, जैसे ही पीवीजी यहां पे बैठेगा इसके पास जो भी चीज है वो पलट के इसे मिल जाएगा, तो दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वेश्चन इन विच वी हैव पीवीजी इज सिटिंग ऑन बी, ओके पीवीजी इज सिटिंग ऑन बी वेरी हैप्पी एंड ए इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन whose velocity is 50 meters per second and इसका जो acceleration है उसे पलट के खिलाना है इसे, तभी ये रुकेगा, तो ये इधर था उसको पलट के इधर लगा दिया बेटा 10 meters per second square। अच्छा सर बहुत बढ़िया बात है, अब ये रुका हुआ है भाई और ये आगे भागे जा रहा है, 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 जिस टाइम पे ये 125 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा उस टाइम का टी तुम्हें निकालना है, और मान लिया टी जो है वो टी के बराबर है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, जिस टाइम पे ये रुका हुआ है वहां से ये 125 मीटर ट्रेवल करेगा, बस कहानी खत्म, यानी कि एक पार्टिकल के ऊपर बैठने के बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया है सर, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ हो गया है अब कि एक पार्टिकल रुका हुआ है और दूसरा इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन के पास जा रहा है और 125 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो बताओ कितना टाइम होगा,
अब इसके पीछे का एक और फिजिक्स सिखाता हूं मैं तुम्हें कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम जो है वो किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तुम लिफ्ट में रख के देखो कोई फिजिकल फिनोमेना को तो भी टाइम जो तुम्हारे वॉच में होगा वही होगा, कार में रखो वही होगा, जमीन पे खड़े होकर रखो वही होगा, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका हमने फायदा उठाया और हमने तुरंत से टाइम निकाल दिया। देखो मजा आया, यस। मतलब ये क्वेश्चन में सर आपके पास लगाना है अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी भैया, और हमें टी निकाल के दे दोगे आप? बिल्कुल, देखो आंसर तुम्हारे सामने ये रहा। अब ये एक्चुअल में क्या है, एक के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, यहां पे लिखते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी। लेकिन देखो ये कितना आसान हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचते कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये कुछ दूरी में चला, वो कुछ दूरी में चला, फिर दोनों को सॉल्व करते, फिर दोनों का डिस्टेंस 125 लेते, फिर सॉल्व करते, ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है? यहां पे तो कुछ नहीं करना है, एक के ऊपर बैठ जाओ कहानी सेट, एक के ऊपर बैठ जाओ कहानी सेट। यस, समझ में आ गया। तो एस रिलेटिव कितना है 125, यू रिलेटिव कितना है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो अब ये रिलेटिव ही तो है। इधर के डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव, तो ये हो चुका है 50t प्लस हाफ। ये क्योंकि पीछे है और इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हमसे हो पाएगा या नहीं? भैया ये गेट थोड़ा खोलिए। तो ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं? तो इसको सॉल्व हो पाएगा सर, तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा 2 5 10, और ये 5 से भी निपट जाएगा। बिल्कुल, 5 1 5, 5 10 50, और ये 25 5 125। यस सर, तो इक्वेशन क्या हो चुका है बेटा, 25 = 10t और ये -t². इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो ये हो जाएगा 25 = 10t - t². ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये हो चुका है t² - 10t + 25 = 0। अब इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये 25 5 5, तो 5t - 5t + 25 = 0। बोलो बेटा क्या समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है और आंसर आया तो फटाफट बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो यार। अब यहां पे ये टी कॉमन ले लिया बेटा, तो ये हो चुका है t - 5, ये -5 कॉमन हो चुका है t - 5 = 0। तो अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताना कि नहीं आ रहा है सर, ऐसा नहीं है कि बस तुम बोलते रहोगे आ रहा है, नहीं आएगा तो अपन और बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। t - 5 × t - 5 = 0, और दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो होगा या तो ये, दोनों जीरो होके एक ही चीज दिया t = 5 सेकेंड। तो ये वाला पार्टिकल कितने देर के बाद मिल जाएगा, 5 सेकेंड के बाद मिल जाएगा। आंसर आपका रहा फास्ट। क्या तुमने देखा कि ये क्वेश्चन कितना फास्ट हो चुका था? मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने थे बेटा तुम्हें पहले क्वेश्चंस में, इसलिए इसमें तुम्हें समय लग रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, और जल्दी से करके बता दो बेटा इसका आंसर तुम। ये रहा सर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, पॉज करो और आंसर करो फटाफट, पॉज करो और आंसर करो, और बताओ कि कितने लोगों ने पहला क्वेश्चन सीखने के बाद ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया, और कितने लोगों ने सीखने के बाद भी नहीं किया, और कितने लोगों को यह चीज पहले से पता था उसने सीधा इंप्लीमेंट कर दिया। 3 टाइप के बच्चे ही हैं हमारे पास, और वो तीनों टाइप के बच्चे फटाफट लिख के बताओ ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखना है, किस टाइप के बच्चे ज्यादा है मेजोरिटी में। ऑल दो अगर एक भी बच्चे को फायदा होता है ना तो मैं चाहता हूं वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक भी बच्चा जो है वो बच्चा है हमारे लिए, और उसका करियर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सबका। तो यस सर शुरू हो जाइए, फटाफट बेटा आंसर बता, पहले पॉज करो आंसर बता, मेरा लेक्चर मत सुन अभी, मैं सॉल्व करूंगा फिर देखना। अब देखना इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड तुम कर सकते हो, अगर कुछ ना बोलो और सॉल्व कर दो तो, अगर पहला सीखा तो यस सर शुरू हो जाइए। बोल रहा है टू पार्टिकल पी एंड क्यू आर इनिशियली 40 मीटर अपार्ट। अब मैं समझाता हूं इसलिए समय लगता है, सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा तुरंत, तुम लोग तो तुरंत सॉल्व करके आंसर बता दिए होगे अब तक। यस, टू पार्टिकल पी एंड क्यू, एक रहा पी दूसरा रहा क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा 40 मीटर, बहुत सुंदर बात है सर।
पार्टिकल पी स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल पी कितने से जा रहा है बेटा? इधर जा रहा है सर 10 मीटर पर सेकेंड से। बहुत बढ़िया बात है। टुवर्ड्स क्यू, पार्टिकल क्यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, यू जीरो है बेटे का। अच्छा, has an acceleration of 2 meter per second square in the direction of velocity of p, p का velocity इधर है, इसी direction में इसका पास acceleration है, कितने का? 2 meter per second square। बोलो मजा आया नहीं आया? कितने लोगों ने ऐसा ही फोटो बनाया जल्दी से बता दो। सर हमने सेम डायग्राम बनाया, और अगर सेम डायग्राम बनाया तो आंसर भी आएगा। जल्दी बताओ कितने लोगों ने सेम डायग्राम बनाया, फटाफट बताओ और जल्दी से आ जाओ यहां पे बेटा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, मैंने जो बोला वही करना है। तुम क्या हो? पीबीजी। तुम क्या हो? पीबीजी, वेरी पावरफुल। तुम्हें बैठा दिया सामने वाले के ऊपर, तुम्हें बैठा दिया सामने। फिजिक्स को अभी पढ़ेंगे क्या निकालना है, लेकिन पहले सामने वाले के ऊपर बैठा दिया, यानी कि सामने वाला अब रुक चुका है, इसका एक्सेलरेशन पलट के इसे खिला दिया। इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो क्या होगा जरा इसका फिजिक्स देखो। ये रहा क्यू, ये रहा फी। इसका वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन पीछे है, यानी कि बंदा जा रहा है आगे और तुम खींच रहे हो उसे पीछे, तो क्या होगा भाई? उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? सर वेलोसिटी घटेगा, 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 घटेगा। एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये तो कांस्टेंट रिटार्डेशन पीछे है, तो वो वेलोसिटी जीरो होने तक कहीं जाएगा और उसके बाद वो इसके रिस्पेक्ट में वो पीछे चला जाएगा और इधर ही जाता रहेगा जिंदगी भर। क्या ये फिजिकल एनालिसिस एज इट इज तुम्हें समझ में आ चुका है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अगर आ गया तो बढ़िया, अगर नहीं आया तो पहले इस एनालिसिस को समझ लो, अगले एक लाइन लिखूंगा और आंसर आएगा। कुछ भी पूछ दे आंसर आएगा। बोल रहा था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो ये दोनों के बीच की दूरी 40 है और ये यहां तक पहुंच पाया, तो यही दूरी तो है जो ये कवर नहीं कर पाया होगा, तो दिस इज डी मिनिमम बिटवीन पी एंड क्यू। क्या मजा आया या नहीं आया? तो मैं क्या करता हूं, ये निकाल लेता हूं एक्स। मान लो ये डिस्टेंस कवर किया एक्स, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होने तक वो रुका होगा, गया होगा इधर, तो वो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इतना ही तो डिस्टेंस है जो बच गया होगा दोनों के बीच में। यस सर, तो डी मिनिमम अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 40 जो टोटल है उसमें से एक्स घटा दूंगा। एक्स कैसे निकालूंगा? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 10, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनल वेलोसिटी 0। सीधा इक्वेशन लगाऊंगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। बोलो मजा आया या नहीं आया बेटा? फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, यू 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू माइनस 2 इंटू एक्स। बोलो हाँ या ना? ये वाला चीज अब सॉल्व होने के लिए तैयार है। 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25 मीटर। मजा आ चुका है सर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 40 मीटर माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 15 मीटर इज योर फाइनल आंसर। क्या कोई भी बच्चा है जो इसको नहीं कर पाता, जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन को अच्छे से सीखता? क्या एक भी बच्चा इसमें से ऐसा है जो नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को करने के बाद? बिल्कुल कर पाते बेटा। तो आंसर इसका क्या हो चुका है, 15 मीटर पर मीटर सर। ये रहा आपका अगला आंसर। कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा बताओ, कुछ जान है? चलो एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही करवा देता हूं तुम्हें अपने तरफ से। चलो मान लो एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही अपनी तरफ से करवा देता हूं, ठीक है? मान लो कि एक क्वेश्चन ले लिया, एक पार्टिकल है जो नीचे फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, देखना कितना फास्ट आंसर करता है कौन। एक ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, ओके, और दोनों के बीच की दूरी ले ली 100 मीटर। बताओ ये जब दोनों एक दूसरे को मिलेगा, जब ये एक दूसरे को मिलेगा उस टाइम पे यहां से डिस्टेंस कितना होगा? बताओ डिस्टेंस कितना होगा जब ये एक दूसरे से मिलेगा? सबसे पहले निकालो टाइम। तुम्हें जो बोला वही करो, तुम्हें जो बोला वही करो। तुम क्या हो? पी बी जी। पी बी जी को बिठा दो इसके ऊपर, ये रुक चुका है, ये रुक चुका है। इसके ऊपर भी जी लग रहा है और इसके ऊपर भी जी लग रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया,
मोशन डर ग्रेविटी के ऊपर फ्रेम कर दिया, तो ये रुक चुका है तो इसका पलट के इसे दे दो, ये 20 से नीचे आ रहा और ऊपर दे दिया 10, पलट के देना है। तो टोटल ये अब कितने से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, बोलो मजा आया। और इसे कब ये मिलेगा, जब ये यहां पे आ जाएगा तभी तो मिलेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है और नीचे से ऊपर आया जा रहा है बंदा, तो ये जब यहां पे आएगा तभी तो मिलेगा भाई, बोलो हाँ या ना, दोनों सेम लाइन में है। तो अच्छा, जी नीचे और इसका भी जी नीचे, इसे रोका तो जी को पलट के खिला उसे। अब ये जी नीचे और ये जी ऊपर, मतलब नो जी, नो जी, अरे बोलो, जी नीचे और जी ऊपर निपट चुका है या नहीं? यस, अब कोई भी जी इसके ऊपर नहीं है, जी रिलेटिव या इफेक्टिव नहीं, जी रिलेटिव लिखना चाहिए, जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी का किसी भी क्वेश्चन का जीरो होता है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास हो चुका है। ये कैसा क्वेश्चन हो जाता है जानते हो, 100 मीटर की दूरी तय करनी है किसी को और ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, बताओ तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी, 10/3 सेकेंड बाद ऐसा होगा, कहानी खत्म। मतलब अगर मैं पूछता फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द पार्टिकल विल मीट, उसका आंसर ये था, यस, बिल्कुल यस। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटे? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटे? बोलो बेटा, क्या डन है, एकदम मस्त मजा आ रहा है या नहीं? यस सर। अगला देखिए बेटा, मैंने पूछा था बताओ यहां से कितना डिस्टेंस है, तो अब क्या करोगे आप, ये 20 मीटर से चल रहा है ना, तो 20 मीटर से चलने वाला चीज 10/3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लो, वो निकाल लो, और ये भी देखो 10/3 सेकेंड में कितना नीचे आएगा वो निकाल लो। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इसको नाम दिया ए, ए ए बिफोर दे विल मीट, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पास कुछ अच्छा बच्चा है जो दिमाग भी लगा रहा है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे और भी बेहतरीन फिजिक्स सीखा जाता है। अभी तुम्हें तो भी तो कुछ करना है ना यार, सिर्फ मेरा ही टर्न रहेगा क्या? आप भी मुझे बताओगे, यस सर, यूट्यूब पे भी बहुत खतरनाक बच्चे आ चुके हैं और यस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर दे विल मीट, टाइम मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है? ओके सर, शुरू कीजिए अगला क्वेश्चन आप अपना। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एडवांस और थोड़ा सा एडवांस से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन है ये, पहले बोल के गलत कर दिया यार, सही बोल रहे हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को लेकिन तुम्हें करना है यार, तुम्हें करना है, अभी करना है क्या? अभी करना चाहते हो तो शुरू हो जाओ, चलो पॉज करो और शुरू हो जाओ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें माना जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, शुरू हो जाओ, पॉज करो और शुरू हो जाओ, समय लगेगा इसमें थोड़ा, ये बढ़िया क्वेश्चन है करना। चलो अब मैं बताता हूं, देखो बोल रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ठीक, ओके, अ स्मॉल ट्रॉली ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल ये मूव कर रहा है, ओके, विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, अ बॉल इज थ्रोन अलोंग द सरफेस, अब ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ट्रॉली इधर जा रहा है और इधर सरफेस से फेंक दिया किसी बॉल को, मेकिंग एंगल phi विद द एक्स एक्सिस, इट हिट्स द ट्रॉली। ये पिछले लास्ट क्लास में भी मैंने एक बात चीज बताया था कि कैसे कॉलिजन्स वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हो, ये क्या किया, यहां से फेंका और ट्रॉली को हिट कर दिया है, phi का वैल्यू दिया है इसने, phi इज इक्वल टू 4θ/3, अच्छा सर चलो, अब बोल रहा है वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद एक्स एक्सिस, बॉल का वेलोसिटी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ, ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं, ये रेडियस वेक्टर लिखना चाहिए, रेडियस वेक्टर, बताऊंगा क्यों ऐसा है, बताऊंगा क्यों ऐसा है, विद एक्स एक्सिस इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, अब ये ट्रॉली के फ्रेम में तुम बैठे हो, ठीक है, ध्यान देना अब बेटा, अब बढ़िया चीज बता रहा हूं, अब ग्राउंड पे अगर बैठे हो तो क्या होगा, जरा सा देखना, जरा सा देखना, देखते हैं, ग्राउंड पे बैठा दिया तुम्हें, तुम्हें क्या कर दिया, ध्यान से सुनना मेरा कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राउंड पे बैठा दिया तुम्हें, यस, ग्राउंड पे बैठा दिया और ये ट्रॉली इधर जा रहा और यहां से कोई चीज को फेंके हो, तो अगर तुम ऐसे फेंकोगे तो क्या इसको एक टच कर पाएगा यार, ये तो जब तक इधर आएगा तब तक ये ऊपर चला जाएगा,
इसका मतलब इससे थोड़ा ऊपर फेंकना चाहिए हमें, इसीलिए बोला ये एंगल फाई है। और जब तुम फाई का कैलकुलेशन करोगे तो फाई कितने बराबर है, 4θ/3, और थीटा का वैल्यू 45 रखो ये वाला, तो हो जाएगा 4 × 45/3, 3 × 5 = 15 जा, है ना। तो ये 60 डिग्री के एंगल पे इसे फेंका होगा, मतलब ये जो एंगल है ना बेटा वो 60 डिग्री का एंगल होगा ये, तभी ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है ये ऐसे जा रहा होगा और इसे हीट कर देगा। क्या मजा आया तुम्हें फिजिक्स सोच के, क्या फिजिक्स सोच के आंसर आ चुका है, मजा आ चुका है, कितनों का आ चुका है जल्दी से बता दो बेटा। और ये रहा मेरा सॉल्यूशन। अब मैं इस डायग्राम को देखता हूं अच्छे से, मैंने बोला कि फिर से तुम क्या हो, पीबीजी को यहां बिठा देता हूं। अगर पीबीजी को यहां बिठा दिया तो ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसे पलट के इसे दे दूंगा, यस, एंड सारा काम प्लेन में हो रहा है, जी का इफेक्ट नीचे नीचे है, उसका इफेक्ट इस प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में ये काम नहीं हो रहा है, ये कहां हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा, एक्स वाई प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो जी भी निपट चुका है, तब तो बहुत आसान हो गया होगा क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो, फटाफट आंसर बता दो मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब देखना बाद में, ठीक है सर। जल्दी से देखते हैं, ये रहा ट्रॉली सर आपका, आप हो, आपने बना दिया है हमें पीवीजी, पावरफुल बॉय एंड गर्ल, तो पीवीजी यहां पे बैठा हुआ है भाई, इसका वेलोसिटी कितना है, √3 - 1, ये पलट के इसे निपटा दो, खबाच, ये हो गया √3 - 1 m/s, सर बहुत ही बढ़िया, जिसके ऊपर बैठते हो उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पलट के दूसरे को देना है। अब क्या होगा, ये रुका हुआ है और ये क्वेश्चन वालों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला कि थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। अब सरफेस के रिस्पेक्ट में स्पीड पूछा है, यहां बैठा हुआ बंदा को स्पीड क्या दिखेगा, तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो सरफेस के रिस्पेक्ट में वो है वी, लेट वी इज द स्पीड ऑफ बॉल, वी इज द स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओके। तो अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है कि मैंने यहां से एक एक चीज दिया ऐसे v से जो 60 डिग्री पे है, डन, इस 60 का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos 60, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा v sin 60, क्या बात समझ में आ रहा है, ये v cos 60 हो जाएगा v/2 और v sin 60 हो जाएगा √3 v/2। तो ये क्वेश्चन अब एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कि यहां पे एक ट्रॉली है जो रुका हुआ है क्योंकि पीबीजी को बिठा दिया हूं मैं यहां पे, ओके सर, यहां से एक पार्टिकल है जिसके पास जो वेलोसिटी है ये √3 v/2 और ये √3 - 1, इसे इसको हिट करना है, यानी कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगा कितना, √3 v/2 - ये वेलोसिटी कितना होगा, √3 v/2 - √3 - 1, नेट वेलोसिटी ऊपर दे दिया एंड एक वेलोसिटी इधर है कितना v/2, और इसे कहां पे हिट करना है, इसे, क्या क्वेश्चन इतना सा ही रह गया है, बोलो बेटा क्या ये क्वेश्चन इतना सा ही रह गया है या नहीं, यस सर, इसको यहां से ये वेलोसिटी मिल चुका है और इसको यहां से ये वेलोसिटी मिल चुका है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इसे हिट करना है इसे, तो जितने टाइम में इस वेलोसिटी को ये वाला डिस्टेंस कवर करना चाहिए, क्या उतने ही टाइम में उसे ये भी डिस्टेंस कवर करना चाहिए, बोलो हाँ है ना, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम और इस डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम क्या बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी ये जब यहां पहुंचेगा और ये जब यहां पहुंचेगा तो ये इसको हिट कर देगा, ये तो मतलब है, बोलो यही मतलब है या कुछ और मतलब है, नहीं सर यही मतलब है, तो ये डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम सेम होना चाहिए और ये वाला भी सेम होना चाहिए, यस सर। अब एक बेहतरीन चीज मैंने तुम्हें दे रखा है कि ये एंगल है 45 बेटे, तो
तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी ही होगा सर, क्योंकि एंगल 45 है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ये दिमाग लगाते ही आंसर है बेटा, अगर ये दूरी बराबर है और यहां जाने वाला टाइम भी सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि d हॉरिजेंटल इज इक्वल टू d वर्टिकल। हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, राइट, एंड वर्टिकल नहीं, वर्टिकल बढ़िया लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे वर्टिकल नहीं लिख के क्या लिखो, परपेंडिकुलर लिखो। तो ये वाला डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो v बाय 2 से हो रहा है, तो ये तुम लिखोगे बेटा v बाय 2 इंटू टी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी है इंटू टी, तो लिखोगे रूट 3 v बाय 2 माइनस रूट 3 और प्लस 1 इंटू टी। बोलो ये लाइन कितनों को समझ में आया, फटाफट कमेंट करो बेटा कि ये लाइन यहां तक कितने को समझ में आ चुका है, कितने बच्चों को यहां तक एकदम 100% समझ में आ चुका है, जल्दी से बताओ। और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा धीरे करके इसको समझो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सिखा रहा हूं बेटा, मजा आएगा तुम्हें, बिल्कुल आएगा अगर तुम एकदम समझोगे। क्या मजा आ रहा है या नहीं ये भी बताओ फटाफट। तो ये टी और ये टी निपट चुका है सर, और ये हो चुका है सर वी बाई टू इज इक्वल टू ये, अच्छा रूट थ्री वी बाई टू है यहां पे, इसको उधर फेंक देता हूं, ठीक है। अच्छा एक लाइन लिखी देता हूं यार बच्चों, वी बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री वी बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन, और इसको जब मैंने किया सॉल्व तो ये आया इधर, रूट थ्री माइनस वन आया इधर, तो ये हो जाएगा बेटा एक पेज को लो और ऊपर ले आओ, चलो 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 एक पेज जल्दी से, यहां पे तो जरूरत है, ठीक है। तो ये इधर तो क्या लिखोगे, रूट थ्री माइनस वन, और ये इधर, तो ये फाइनली तुम लिखोगे रूट थ्री माइनस वन, उसको इधर किया और v बाई टू को उधर, तो हो गया रूट थ्री वी बाई टू माइनस v बाई टू। बोलो मजा आया नहीं आया, रूट थ्री इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, ये उधर, तो रूट थ्री वी बाई टू माइनस वी बाई टू। बोलो हाँ या ना, वी बाई टू को कॉमन ले लो, ये हो चुका है रूट थ्री माइनस वन और ये रूट थ्री माइनस वन, दोनों हो चुका है खत्म बेटा, और ये निपटा, और वी बाई टू इज इक्वल टू वन, वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे सामने रहा आंसर। मैंने कुछ भी ऐसा किया जो तुम्हें नहीं पता था अभी तक, लेकिन क्या तुम में से कितने लोग ये देखते ही सॉल्व कर पाए थे। तो ये होता है बेटा इंटीजर क्वेश्चन, जे एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये, और तुम्हें कितना बढ़िया तरीके से समझ में आया वो भी बताना। ऑप्शन को तो मैंने किया है यहाँ पे गड़बड़, लेकिन ये रहा ऑप्शन और ये रहा ऑप्शन सर, तो अपना आंसर 2 आया था, तो पहला ऑप्शन ना एकदम सही हो चुका है सर। बोलो क्या एकदम मस्त मजा आ रहा है जीवन का या नहीं बेटा। तो इस तरीके से रिलेटिव के कॉन्सेप्ट को 1D और यहां पे 2D में मैंने बताया, और कॉन्सेप्ट क्या है, तुम हो PVG और आदि स्टार मैथड मैंने बता दिया, तुम्हें बैठ जाना है, दो चीज देखते ही तुम्हें बैठ जाना है और तुम्हें समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलो बेटा शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट और अगला क्वेश्चन। एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने रखा है, पॉज करो और सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, पॉज करना है और सॉल्व करना है। चलो जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट बता दो मुझे कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। ओके जल्दी फटाफट, भैया सर का गेट बंद करके आ जाइए, आवाज आ रही है बहुत। ओके तो चलिए, ये रहा फिर से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा सा ये बताओ कि जब स्विमर होता है, स्विम कर रहा होता है, उस टाइम की बात जब तुम करते हो तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा नॉलेज और फिर से ये क्वेश्चन। चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले इस क्वेश्चन को। जब भी कभी जानते हो बच्चों, एक चीज मैं बताता हूं, रिलेटिव मोशन इन 2D वाला जो क्वेश्चन होता है ना, रेनमैन प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, एक कार के ऊपर फ्लैग लगा दिया, ये सारा क्वेश्चन फालतू का तुम्हें डराता है।
एक्चुअल में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन टीचर्स कम्युनिटी ने बच्चों तक वो चीज को पहुंचाया नहीं। हमारे जैसे लोगों की गलती हो गई। तो फिर हुआ क्या, बच्चे को रिलेटिव इन 2D थोड़ा मुश्किल लगने लगा। मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम टीचिंग में, मैंने देखा है 6th ईयर में कि एडवांस में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बच्चे थोड़ा घूमने लगते हैं। इवन मेंस में भी थोड़ा क्वेश्चन को रिलेटिव के ऊपर घुमाता है, बच्चे घूमने लगते हैं। अरे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए लाया गया है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो बच्चों, ठीक है ना? यस सर। तो यहां पे तुम्हें देखना है कि कभी भी अगर तुम्हें स्विमर प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो यहां पे मैंने एक रिवर ले लिया बेटा, इसका कुछ वेलोसिटी दे दिया। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। अब इस वेलोसिटी में यहां पे कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ये प्रॉब्लम और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम वेक्टर का प्रॉब्लम है। ये रिलेटिव वेलोसिटी दे के आसान बनाने की कोशिश करी, राइट? तो तुम्हें अगर पता है कि एक्स को एक्स से मतलब है और वाई को वाई से, तो ये क्वेश्चन फिर से खत्म है बेटा। एक्स और वाई को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, और ये क्वेश्चन तुम्हारे हाथों में रहेगा, राइट? तो जल्दी से शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर कोई बंदा वाई में जा रहा है, तो वाई रिस्पॉन्सिबल है टाइम को कवर करने के लिए। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? रिवर का वेलोसिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उससे मतलब इस बात से है कि वो यहां से अगर चलना शुरू किया है तो वो एक्चुअल में कहां चला जाएगा। लेकिन टाइम अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी स्विमर का सीधा ऐसे गया है, तो वो टाइम होगा ये डिस्टेंस बाय ये वेलोसिटी, क्योंकि टाइम इस डिस्टेंस में कवर हो रहा है इस वेलोसिटी से, और डिस्टेंस ये एक्सेलरेशन वगैरह है नहीं। और हॉरिजेंटल में यहां पे नहीं पहुंच के पानी के चलते ये इधर कहीं चला जाएगा, और ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बेटा। तो ड्रिफ्ट क्या होगा? ड्रिफ्ट के लिए रिवर की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है बेटे। तो रिवर का वेलोसिटी और ये जो टाइम जितने में यहां पे पहुंच पाया, अभी जो बताया वैसा ही क्वेश्चन, ये यहां पे आया और ये यहां पे आया, तो फाइनली ये यहां पे चला जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है इधर, लेकिन पानी के वेलोसिटी के चलते वो इधर भी भाग रहा है। तो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वेलोसिटी है? वीआर। और टाइम कौन सा है? जितनी देर में यहां से यहां तक कवर हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? वीआर इनटू टी। बोलो मजा आ गया या नहीं आ गया? डन है। तो मेरे पास दो बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, इनके ऊपर ये रहा आपके पास, शुरू हो जाइए बेटा। बोल रहा है पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग एकदम सही आंसर बता पा रहे हो। पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ। चलो मैं ये चाहूंगा क्वेश्चन देखो। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद अ वेलोसिटी व्हिच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। अब यहां पे देखना ध्यान पूर्वक, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मैं बताता हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। n टाइम्स लेस का क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास x रुपीज है, तो n टाइम्स लेस का क्या मतलब है? वो है x इंटू 1/n। और n टाइम्स मोर का क्या मतलब है? ये n टाइम्स लेस का मतलब ये होता है। और n टाइम्स ज्यादा का क्या मतलब होता है? nx। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में यूज हुआ है लैंग्वेज का। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए बोल दिया। n टाइम्स लेस का क्या मतलब है? लेस सुन के बच्चे ना सब्ट्रैक्शन का फैक्टर आता है, नहीं, n टाइम्स लेस का मतलब होता है 1/n, n टाइम्स ग्रेटर का मतलब होता है nx, n टाइम्स मोर का मतलब। ठीक है सर। अब एक चीज सोचो यार, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझाना स्टार्ट कर दिया हूं, तो एक चीज सोचो जरा इस क्वेश्चन को देखते हुए कि सर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिया आपने, और कोई भी एक रिवर में, जरा देखना बेटा, रिवर में ये रहा रिवर, देखना ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से देखना, और यहां पे जो स्विमर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो n टाइम्स लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यानी कि रिवर के वेलोसिटी से स्विमर का वेलोसिटी जो है वो कम है। तो क्या इस क्वेश्चन में पार्टिकल इसके जस्ट सामने जा पाएगा क्या, ये मुझे बता दो, क्या जा पाएगा क्या? तो मैंने पूछा यही था एक्चुअल में कि बताओ मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा। तो ड्रिफ्ट तो वो है कि जहां पे आप हमें भेजना चाहते हो अपोजिट बैंक पे, उससे कितनी दूरी हमने कवर की।
तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो जीरो होना चाहिए। अगर मैं जीरो ऑप्शन देता तो कितने लोग सही करते, ये भी बता दो। जीरो तो हम ठीक करते हैं सर, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जिसके सामने फेंका वहीं पे जाए, मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट जीरो हो पाएगा, जरा सोचो। या मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए बॉडी को हमेशा इधर की तरफ चलना चाहिए, ये भी तुम्हें पता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, इसका मतलब पार्टिकल को इसके जस्ट सामने जाना चाहिए, लेकिन रिवर का तो वेलोसिटी है, हाँ, तो इसका एक कंपोनेंट अगर इधर आ जाए और वो कंपोनेंट जो है, मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये मान लो थीटा है, एक तो हो जाएगा वीएम कॉस थीटा और एक अगर इधर वीएम साइन थीटा आ जाए। जरा सुनना बेटा ध्यान से यार, तो अगर इसे यहीं पे पहुंचना है फॉर जीरो ड्रिफ्ट, तो ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी दोनों बराबर, और वो बंदे को इधर की तरफ वेलोसिटी मिल गया, कौन सा, ये वीएम कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो, सीधा चलना शुरू कर देगा। जब सीधा तुम्हारे पास चल के आ जाएगा वो, तो वेलोसिटी कितना होगा, तुम तो सामने इंतजार कर रहे हो, आया नहीं आया है, तो यहां से चल के यहां पे आया तो ड्रिफ्ट कितना, जीरो। यानी कि ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए मैन के वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए सर। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है। बोलो मजा आ रहा है या नहीं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ आंसर। तो ये VR VM cos थीटा के बराबर होना चाहिए या नहीं फॉर जीरो ड्रिफ्ट, ये किसके लिए होना चाहिए बेटा, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या यदि मैं इस मैन का वेलोसिटी इससे भी कम कर दूं, एन टाइम्स कम कर दिया, और उसका एक और कंपोनेंट ले लूं, तो कभी जीवन में ये वेलोसिटी इसके बराबर हो पाएगा? सर ऑलरेडी ये आपने कम कर दिया है इससे, और इसका एक कंपोनेंट भी ले रहे हो, वो भी कम होगा ना यार, कंपोनेंट तो कम होता है मेन वेक्टर से, अगर उसी डायरेक्शन में नहीं लिया तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो पाएगा, और पार्टिकल इधर की तरफ ट्रेवल करेगा। वही इस क्वेश्चन में है बेटा, इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट है। अगर स्विमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से कम है तो जीरो ड्रिफ्ट कभी भी संभव नहीं है सर। ऑल्दो आपने मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए मान लो थीटा एंगल पे फेंका, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था तुमसे, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाटर फ्लो, उससे कितने एंगल पे डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव्स, बोट किस डायरेक्शन में जाए टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को कम करना है हमें, ड्रिफ्ट को क्या करना है, कम करना है बेटा। तो यहां पे मजा आएगा सर, मान लिया वर्टिकल के साथ थीटा है, तो अगर इसके साथ पूछेगा तो मैं 90 बाद में ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर एक्चुअल में पाई बाय 2 प्लस थीटा होना चाहिए। अब जब बता दिया मैंने तब तो ऑप्शन देख के तुम कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू कॉस थीटा। अब क्योंकि ड्रिफ्ट को मिनिमम है, लेकिन ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता रिवर के वेलोसिटी के बराबर, तो मैं लिखूंगा कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, अरे समझ में आ रहा है या खत्म हो गए तुम लोग, समझ में आ रहा है या खत्म हो चुके हो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है वो एक्चुअल में vr माइनस vs साइन थीटा होगा। हॉरिजेंटल का वेलोसिटी होगा रिवर वेलोसिटी माइनस vs साइन थीटा, बोलो क्या बात समझ में आई, हाँ सर। इससे वो इधर कवर होगा क्योंकि ड्रिफ्ट जीरो इस केस में संभव नहीं है। अब अगला देखो, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसका मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस पे, रिवर फ्लो पे, वो कितना होगा, vs cos थीटा, यस। तो टाइम कितना लगेगा उसे यहां से यहां कवर करने में, यदि उसका डिस्टेंस d है, यदि उसका डिस्टेंस d है तो ये टाइम हो जाएगा d बाय vs cos थीटा, हाँ। और ये जो ड्रिफ्ट होगी ना सर इस केस में, ये ड्रिफ्ट आपने पढ़ाया है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी नेट रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रिफ्ट के लिए, क्योंकि आपने जब बताया था तो आपने सिर्फ ऊपर वेलोसिटी लिया था, इसलिए आपने वी आर इंटू टी किया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू डी लेना पड़ेगा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी लेना पड़ेगा।
This is the drift. This is the drift. So what I can write in this problem is drift can be written as जल्दी से बता दो बेटा vr माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी vr माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी और t का वैल्यू मैंने बता दिया है बेटा कितना d बाय वी एस कॉस थीटा t का वैल्यू बता दिया है कितना t का वैल्यू कितना बता दिया d बाय वी एस कॉस थीटा ये ड्रिफ्ट है बेटा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा वी आर इंटू डी बाय वी एस कॉस थीटा माइनस वी एस और वी एस निपट गया है वी एस और वी एस निपट चुका है ये अंदर आया तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी टेन थीटा बोलो क्या यही ड्रिफ्ट है यस yes. अब मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया था कि वी एस इज इक्वल टू एन टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर तो यहां से देखो वी एस बाय वी आर कितना है 1 बाय एन या वी आर बाय वी एस कितना है वी आर बाय वी एस हो चुका है एन के बराबर और इस क्वेश्चन में इसे यूज करो वी आर बाय वी एस एन है वी आर बाय वी एस क्या है एन तो ये हो जाएगा एन डी कॉस थीटा का लिख दो 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा माइनस डी टेन थीटा ये हो जाएगा ड्रिफ्ट लेकिन मैंने ये नहीं पूछा क्योंकि मैं तो पूछा थीटा बताओ बेटा जब ड्रिफ्ट हो जाए मिनिमम तो अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर दिया है मैंने ड्रिफ्ट को करना है मिनिमम और वेरिएबल क्या है थीटा क्योंकि एन फिक्स है डी फिक्स है तो जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसे आप करते हो डिफरेंशिएट और जो चीज वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा डी को करना है मिनिमम यानी कि डिफरेंशिएट करना है डी को और वेरिएबल क्या है थीटा तो डी डी बाय डी थीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट बोलो क्या बात पूरा समझ में आया ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इस क्वेश्चन में तो फाइनली क्या हो गया इसको करना है डिफरेंशिएट तो nd sec थीटा माइनस d tan थीटा nd sec थीटा माइनस d tan थीटा को करना है डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में और करना है जीरो के बराबर nd को करो बाहर sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा into tan थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा अच्छा इज इक्वल टू जीरो तो इसको सॉल्व करता हूं अब मैं फटाफट ये हो चुका है nd sec थीटा को लिखता हूं 1 बाय cos थीटा tan थीटा को लिखता हूं sin थीटा बाय cos थीटा बहुत मजा आ रहा है ये गया d उधर sec स्क्वायर थीटा को लिखता हूं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और ये हो चुका है खुबाच 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 तो ये हो चुका ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं मैथ्स में बेटा हमें पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है कैसे पता सर थीटा मैंने 0 और 90 के बीच में रखा था तो कॉस 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होता है तब मैंने किया अदरवाइज मैथ्स फ्लॉप हो जाता है ऐसे तुम नहीं करते इनइक्वालिटीज में ये क्या बोल दिया सर पता नहीं जिसको मैथ्स आ रहा होगा समझ गया होगा डी और डी निपट चुका है ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एन मजा आया या नहीं बता दो मुझे लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है मैंने पूछा स्टीम के वेलोसिटी से कितने एंगल पे जाएगा तो स्टीम के वेलोसिटी से सर आपने यहां पे जो फोटो बनाया है इस फोटो से पता चल चुका है कि पाई बाय टू प्लस थीटा है और ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एन बोलो मजा आया तो यस नहीं आया तो बोलो नहीं आया मजा ये यूरिडोव का क्वेश्चन है बेटा जो मैंने बताया ये सब क्वेश्चंस का ना मजा तुम्हें तब आएगा जब रियल में तुम सीखने के लिए बैठोगे और सेलेक्शन लेने के लिए बैठोगे बेटा और मुझे पता है कि हमारे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे सर ने जो जो एक एक स्ट्रीम फ्लो किया है जो वेव्स पैदा किया है पूरा कंट्री में वो सिर्फ और सिर्फ बढ़िया बच्चों को पढ़ाने के लिए और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड करने के लिए तो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा अगर कोई चीज और चाहिए तो बताना जरूर लेकिन बेटा ये जो जान लेना कि अगर सीखना है तो मेहनत हमें करना है सर चलिए अब मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूं बेटा आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है यार बेहतरीन क्वेश्चन है
अगर तुम्हें रियल में फील लेना है कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, ये क्वेश्चन को देखना, मजा आएगा तुम्हें। और भी क्वेश्चंस मैंने लाइन से लिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा अपने सामने, ये सारे क्वेश्चंस जे एडवांस लेवल के हैं। अगर तुम्हें इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो भाई एक एक्स्ट्रा तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन है एक ग्राफ के ऊपर। तो बेटा अब इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम चाहते हो मुझसे तो मुझे जरूर बताना। ऑल दो मैं ये सब क्वेश्चंस लाता हूं जरूर हर एक दिन कराने को, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए लेक्चर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और वो लेक्चर्स बढ़ेगा कब तुम समझ ही रहे हो। तो चलिए अब बेटा बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ये सब कर लीजिएगा होमवर्क की तरह। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में संडे एंड मंडे। बाय बच्चा लोग, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहें। All the very best.